हेलो प्रिय दर्शकों, आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क केक, जो कि खाने में सारी मिठाइयों में लगभग सबसे ज्यादा स्वाद होता है। तो ये देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ 2 किलो दूध ले लिया है। इसको हमने पका के अच्छे से पहले आधा कर देना है, उसके बाद ही हम इसमें चीनी और नींबू ऐड करके और अच्छे से पकाएंगे। तो इसको पकाने में लगभग घंटे के करीब लग जाता है, तो बीच बीच में इसको चलाते रहना। और जो साइड में ये आप देख रहे हैं, जो मलाई आ रही है साइड में लगी हुई है मलाई, इसको भी हाथ के हाथ हमने छुटाते रहना है। ये भी हमारे इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर देगी। हमारा दूध लगभग पक पक के आधा हो गया। अब हम इसमें नींबू लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमने नींबू ऐड कर दिया, और इसके बाद दूध का हमारा टेक्सचर चेंज होने लगेगा। जैसे हमारा दूध फट जाता है ना दानेदार सा, उस तरह का होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके कम से कम 15-20 मिनट बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा दूध का कलर भी हमारा चेंज हो गया है, और हल्का सा ये हमारा येलोइश हो गया। और इसको हम इसका टेक्सचर देखेंगे, देखो कैसा हो जाता है ये टेक्सचर। हाँ, ये नींबू डालने के बाद ये देखो ये टेक्सचर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें अब 2 इलायची पाउडर डाल रहे हैं, और डाल रहे हम लगभग 1 कटोरी हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। इस स्टेज पे अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा नीचे से चिपके ना, मतलब बहुत अच्छा हुआ इसका वो आ जाए, टेक्सचर भी आ जाए और हमारा ये बहुत बढ़िया बने। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी देर बाद हम इसमें घी भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा इसका दूध पूरा सूख गया है अच्छे से, और अब हम इसमें लगभग 1.5 चम्मच घी मिला रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप कितना भी मिलाएं इसमें, मतलब 1-2 चम्मच डल सकता है, पर हम थोड़ा कम ही डालेंगे इसमें क्योंकि हमें थोड़ा कम ही पसंद है। तो अब हमने लास्ट स्टेज में अब इसमें घी ऐड कर दिए। अब हम एक अच्छे से बर्तन में, साफ सुथरे बर्तन में इसको हम सारा निकालेंगे, और उसके बाद हमारा ये मिल्क केक रेडी हो जाएगा। इसको सेटअप होने के लिए हम कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। एक टिफिन ले लिया है, उसमें हमने घी लगाया है, और उसके बाद अब हम इसको सेट करने के लिए हम अपने मिल्क केक को हम इसमें डालेंगे, और 1 घंटे के लिए हम इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देंगे। ये अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितना दानेदार और देखने में भी कितना सुंदर बना है, खाने में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप देख सकते हैं हमारा ये मिल्क केक बनके रेडी हो गया। बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा टेक्स्चर आया, और टेस्ट भी लाजवाब। आप भी घर में ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए और अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।